तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का वीडियो है जो कि आपको पता है कि अपना शॉर्ट वीडियो में अपना लॉन्ग वीडियो ऐड कर सकते हैं, लेकिन सारे यूट्यूबर ने यही बताया है। लेकिन गाइज, क्या आप दूसरा वीडियो इस पे ऐड कर पाएंगे? जो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो के नीचे जो वीडियो ऐड हो जाता है उसको तो मैं बताऊँगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बताऊँगा कि उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको पता ही है, एक शॉर्ट वीडियो सबसे ज्यादा यहाँ पे वायरल होता है, यानी कि ज्यादा व्यू जाता है। तो उस पर अगर ज्यादा व्यू जाता है, अगर 100 व्यू जाता है उस पर, तो अगर 10% लोग आपके अगर इस पर ज्वाइन पे क्लिक करके आएंगे तो लॉन्ग वीडियो पर वॉच टाइम और सब्सक्राइब और व्यू आएगा ही आएगा। तो गाइज, यहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियो में अपना लॉन्ग वीडियो एड कर सकते हैं, ये भी बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि क्या अपना दूसरे चैनल का वीडियो पे अपना वीडियो लगा पाएंगे, अपना वीडियो एड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए कि कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चले गए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और गाइस ये क्रोम ब्राउजर में मैंने ओपन कर लिया है। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो दोनों मैंने इस पे अपलोड किया है। तो जैसे एक शॉर्ट वीडियो है, इस पे हम चलते हैं, तो ये देख सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो अभी डाला हूँ, और डाला हूँ गाइस, अभी तक मैं इसको पब्लिश नहीं किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 0 व्यू 0 कमेंट लाइक, सब 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसको मैं पब्लिक नहीं किया हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला अनलिस्टेड में है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पब्लिश का आइकन है, पब्लिक आइकन पर हम डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये वीडियो हमारा पब्लिक हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक आप हो गया है, लाइव आप देख सकते हैं ये वाला। तो गाइज, ये हो गया पब्लिक। तो इस पर हम अपना लॉन्ग वीडियो कैसे ऐड करेंगे? तो लॉन्ग वीडियो ऐड करने के लिए डायरेक्ट इस वीडियो पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल कर आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं नन का, यहाँ पे नन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, रिलेटेड वीडियो का, यहाँ पे रिलेटेड वीडियो का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक पेंशन का आइकन है, पेंशन का आइकन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना वीडियो जो है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये वाला वीडियो, मैं कोई वीडियो यहाँ पर लेकर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर वीडियो लग गया, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर लग गया है। अब बस यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेव कर दिया। तो जैसे हम सेव करेंगे तो ये वीडियो उस शॉर्ट वीडियो है, उस शॉर्ट वीडियो में लग जाएगा। कैसे लगेगा गाइज, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, इसको हम कट कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर सीधा यूट्यूब पर चलते हैं। गाइज, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विशाल देहाती ब्लॉग मेरा चैनल है ब्लॉग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चैनल, ये वाला वीडियो यहाँ पर आ गया है जो कि मैं शॉर्ट वीडियो अभी डाला हूँ। तो डालने के बाद देख सकते हैं ये वीडियो है, और होने के बाद यहाँ मेरे गाँव के लोग गया धाम जाते हुए ये वाला यहाँ पर लिंक हो गया है। आप देख सकते हैं ये वाला लिंक हो गया। तो इस पर हम जैसे ये वाला एरो का निशान है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा लॉन्ग वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लॉन्ग वीडियो ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो गया गाइज, लिंक हो गया। चलिए, अब हम आपको बताते हैं क्या यहाँ पे दूसरा वीडियो यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, यानी कि दूसरे चैनल का वीडियो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर पाएंगे। यानी कि आपके पास दो चैनल है, एक बड़ा है एक छोटा है, ज़्यादा सब्सक्राइब है। तो अगर आप चाहते हैं कि छोटे कम सब्सक्राइब वाला वीडियो हम बड़े सब्सक्राइब वाला शॉर्ट पे हम ऐड कर दें तो ऐड होगा कि नहीं होगा? तो चलिए, एक मैं एक कोई वीडियो ले लेता हूँ। देख सकते हैं एक मैं शॉर्ट वीडियो ले लिया हूँ। लेने के बाद गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं एक वीडियो मैंने ऐड किया है। जैसे इस पर हम ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं, और फिर से यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ऐड करने वाला पेंसिल का आइकॉन पर हम जाते हैं, और जाने के बाद गाइज यहाँ पर जो आपका चैनल है उस चैनल का सारा वीडियो यहाँ पर शो कर रहा है, अदर चैनल का वीडियो शो नहीं कर रहा है। तो उसको हम कैसे सर्च के ला सकते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पर सर्च बार पर है, सर्च बार पर सर्च करेंगे। जैसे सर्च बार पर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर सर्च कर देते हैं क्या गया है, यहाँ पे एक इमरजेंसी अलर्ट जो कि अभी हो रहा था उस पर इमरजेंसी अलर्ट पर क्लिक करते हैं तो एक वीडियो यहाँ पर आ रहा है जो कि हमारे चैनल का ही है, अदर चैनल का यहाँ पे वीडियो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम सर्च कर लेते हैं सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं। यहाँ पर देख सकते हैं सब्सक्राइब, तो यहाँ पर केवल सब्सक्राइब डाले हैं। तो गाइस, सब्सक्राइब से रिलेटेड हमारा ब्लॉग चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, तो इसलिए ब्लॉग चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आ रहा है, और अदर वीडियो जो है मतलब दूसरे का वीडियो, वो वीडियो भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो गाइस, इससे प्रतीत यही होता है कि हम अदर वीडियो का यहाँ पर जो अदर चैनल का वीडियो है यहाँ पर हम ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ
तो गाइज यहाँ पे साफ साफ यही आ रहा है कि हम अदर वीडियो जो होता है अदर चैनल का यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे। तो गाइज मैं सोचा इस वीडियो से आपको बताऊं कि आप इस वीडियो से कितना ज़्यादा आप मतलब अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो के साथ साथ। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे हम 100% वीडियो बना देंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।